हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 5 कंपनी मोबाइल की जिसकी प्राइस होगी 10,000 और 20,000 के दरमियान। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरे मोबाइल बेस्ट हैं। तो नंबर 1 पे आता है रियलमी X50। बात करें इसकी स्पेक्स की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 675G है, डिस्प्ले इसमें 6.57 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें साइड में है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+13+2 मेगापिक्सल का, और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 32+8 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 4200 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 19,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 19,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं रियलमी इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 2 पे आता है Xiaomi Redmi K30। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V10Q है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 730G है, डिस्प्ले इसमें 6.67 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें साइड में है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और डुअल फ्रंट कैमरा इसमें 20+2 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4500 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं Xiaomi इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 20 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 3 पे आता है ओप्पो K5। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 730G है, डिस्प्ले इसमें 6.4 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका AMOLED है और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें ऑन स्क्रीन है। बात करें कैमरा की, तो इसमें 4 रियर कैमरा है, 64+8+2+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 256GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओप्पो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 11 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 4 पे आता है Honor 20S। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.26 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका TFT है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 48+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा इसमें 32 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, बट SD कार्ड का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बैटरी इसमें 3750 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 16,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 16,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं ओनर इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 27 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। नंबर 5 पे आता है Huawei P Smart Pro। बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें एंड्रॉइड का V9 पाई है, 6GB की रैम है, प्रोसेसर इसमें सिलिकॉन का क्रीन 810 है, डिस्प्ले इसमें 6.59 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, स्क्रीन इसका IPS LCD है। बात करें कैमरा की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा है, 48+8+2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट पॉपअप कैमरा इसमें 16 मेगापिक्सल का। स्टोरेज इसमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज रहेगा, 512GB आप इसको SD कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं। बैटरी इसमें 4000 की रहेगी और फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 15,000 रुपए। हो सकता है मोबाइल इंडिया में 15,000 के अंदर आ जाए। देखते हैं वो इस मोबाइल को इंडिया में किस प्राइस पे लेके आता है। अब बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 25 फरवरी 2020। उम्मीद है मोबाइल जब तक इंडिया में आ जाए। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अपकमिंग मोबाइल्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।